हजार मुश्किलों के बाद आखिर जुड़ गया परी और राजीव का अटूट रिश्ता। लेकिन नीति के हत्या के प्रयास में यू आर अंडर अरेस्ट। परी, मुझे पता है कि तुम बेकसूर हो, असली गुनहगार कोई और है। और इसके पीछे जो भी है मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। परिणीति हर रोज रात 7:30। फाइनली हो चुकी है परी और राजीव की शादी, लेकिन शादी के बाद ही हो गया है कुछ ऐसा जिसे देखने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। बात हो रही है कलर्स चैनल पर आ रहे सीरियल परिणीति की, जिसके आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं बड़ा ट्विस्ट। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि परिणीति और राजीव जो कि पानी में फंसे हुए होते हैं, इन तीनों के बीच में बहस होती है। राजीव नीति को धक्का देता है, नीति का सर लग जाता है और जिसके बाद नीति हॉस्पिटलाइज हो जाती है। हजार मुश्किलों के बाद आखिर जुड़ गया परी और राजीव का अटूट रिश्ता। लेकिन नीति के हत्या के प्रयास में यू आर अंडर अरेस्ट। परी, मुझे पता है कि तुम बेकसूर हो, असली गुनहगार कोई और है। और इसके पीछे जो भी है मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। परिणीति हर रोज रात 7:30। परी राजीव जैसे तैसे हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, नीति हॉस्पिटल में एडमिट है, जिंदगी और मौत से जूझ रही है। दूसरी तरफ ताई जी का फोन आता है, क्या तुम लोग घर आ सकते हो थोड़ी देर के लिए, अभी जो है शादी का मुहूर्त चल रहा है। अब ऐसे में परी और राजीव की शादी भी हो जाती है। अब इनकी शादी हो गई और अचानक से पुलिस घर में आ जाती है और परी को हथकड़ी पहनाकर अपने साथ ले जाने की बात करती है। कहती है कि नीति का जो भी हाल हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है और अब भाई तुम्हें चलना होगा। अब ऐसे में यानी कि जहां पर परी और राजीव की शादी हुई वहां पर अभी एक और बड़ा तूफान आ गया। लेकिन क्या यहाँ पर नीति को अपनी गलती का एहसास होगा? कहते हैं ना, जब हम अपने वर्स्ट टाइम में होते हैं तो हमें एहसास हो जाता है या कि हमने जो गलत किया है सारी चीज हमारे सामने क्लियरली हमें दिखाई देती है। जिंदगी बहुत छोटी है तो यहाँ पर शायद नीति को एहसास हो जाए और नीति ही परी की मदद करे और राजीव और परी के लिए बयान दे कि ये मेरे ही कर्मों का फल है जो मुझे मिल गया। वैसे नीति इतनी अच्छी है तो नहीं, लेट्स सी। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।